नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी न्यूज में। राजधानी की नर्मदापुरम रोड का एक बड़ा हिस्सा ट्रैफिक जाम के कारण पैनिक एरिया बन गया है। अब हाल ये है कि इस रोड पर वीर सावरकर सेतु से मिसरोद तक के 6 किलोमीटर वाले हिस्से को पार करने में पीक आवर्स के दौरान करीब 32 मिनट तक का वक्त लग रहा है। वहीं मंगलवार को पूरे रूट को दिन में 2 बार स्कैन किया गया तो पता चला कि 1 साल में यह स्थिति और बद से बदतर हो गई है। जाम कम करने के लिए यहां के 6 चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं, लेकिन इनका आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। वहीं सभी चौराहे के पास मेन रोड पर ही लेफ्ट टर्न पर या तो कारें खड़ी हो जाती हैं या फिर अतिक्रमण है। सर्विस रोड पर अवैध पार्किंग है। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लेफ्ट टर्न के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र लिख दिया है। वहीं रोड पर खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार इस रोड पर हर घंटे 5,000 वाहन निकलते हैं। इनमें से 70% वाहन आसपास की कॉलोनियों के हैं, जबकि बाकी 30% रायसेन, नर्मदापुरम समेत दूसरे जिलों के होते हैं। स्थानीय वाहनों में कटारा हिल से 11 मील, मिसरोद, सलैया, बावड़िया कला आदि इलाकों की 200 कॉलोनियों के भीतर रहने वाले वाहन हैं। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें टीवी न्यूज़ में।